नमस्कार, SS फूड्स एंड पिकल चैनल हब्स एंड ब्लॉग्स में आपका स्वागत है। आज के दिन की शुरुआत हम नई वीडियो से करते हैं। आप जो ये पौधा देख रहे हैं, ये पिपली या पिपली मग का पौधा है। इसकी पान की जिस तरह से पत्तियां होती हैं, उसी तरह से ये पान की पत्तियां हैं। ये हमारे घर में लगभग 10 साल से लगा है। पिपली का प्रयोग गर्म मसाले में और दवाइयां बनाने में किया जाता है। जब छाती में बलगम बहुत ज़्यादा होती है या खांसी में इसकी काढ़ा बना करके पिया जाता है। अभी तो इसमें फल नहीं आ रहा, लेकिन सर्दियों में हम इसको चार पत्तियों को 2 कप पानी डाल करके जब 1 कप रह जाता है तो काढ़े के रूप में इसका इस्तेमाल करते हैं। इसकी तासीर सम होती है, ना गर्म ना ज़्यादा, लेकिन इसकी जो रिज़ल्ट है बहुत बेहतरीन होता है। ये देखिए, पिपली का पौधा इस तरह का होता है। ये देखें, पिपली को जब इसमें फल लगता है, पिपली को तोड़ करके हम लोग इसको सुखा लेते हैं और साल भर हम इसका इस्तेमाल करते हैं। ज़्यादातर हम लोग इसको सर्दियों में इस्तेमाल करते हैं। अन्य उसमें हम लोग इसको गरम मसाले के रूप में प्रयोग करते हैं, लेकिन मैंने कुछ लोगों को, ख़ास करके यूपी के लोगों को देखा है कि वो लोग जब मीठा पान खाते हैं उसमें इसका प्रयोग सर्दियों में बहुत ज़्यादा करते हैं। आज की छोटी सी वीडियो आपको उम्मीद है कि पसंद आई होगी। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।